तो मैं आया हूँ आज पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जो कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। वर्ल्ड का मोस्ट रिचेस्ट टेम्पल इसे कहा जाता है। ये इसके जो साक्ष्य हैं बनने के, वो 8वीं शताब्दी में है। पहले ये लकड़ी का हुआ करता था, लेकिन 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने इसे दोबारा रिनोवेट करवाया और ये दोबारा पत्थर से बनवाया गया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इसमें 6 अलग अलग ब्लॉक हैं जिसमें करोड़ों लाखों का खजाना है। तो 5 ब्लॉक इसके खोले जा चुके हैं जिसमें 2 लाख करोड़ की संपत्ति मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाई गई है, और एक तहखाने का भी खुला नहीं है। तो दुनिया के सबसे रिचेस्ट मंदिरों में आता है, और यहाँ आने के कुछ नियम कानून हैं। यहाँ पर कोई भी नॉन हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता, सिर्फ हिंदू में आस्था रखने वाले लोग ही अंदर जा सकते हैं। दूसरा, ये अंदर जाने के लिए धोती पहनना अनिवार्य है, और लेडीज़ जो हैं वो साड़ी में जा सकती हैं। तो अंदर वीडियोग्राफी कुछ अलाव नहीं है, बाहर से आप देख सकते हैं। ये पद्म स्वामी टेम्पल के जस्ट साइड में तालाब, और ये आप सामने देख सकते हैं वर्ल्ड रिचेस्ट टेम्पल है। दोस्तों, इस मंदिर के खजाने के रिगार्डिंग काफ़ी थ्योरीज हैं, लेकिन जो यहाँ के लोकल लोगों का कहना यह है कि एक ब्लॉक जो खुलने से रह गया है, उसके खजाने की सुरक्षा नाक कर रहा है, इसलिए उसे अभी तक खोला नहीं गया है।